मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। अंबाला में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या एक सेकंड बढ़कर अब 3 हो गई है। आज आए 2 पॉजिटिव मामले तबलीगी मरकज से आए जमातियों में से है। इनमें से एक नेपाल व एक महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र के कोरोना पॉजिटिव को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है, जिसकी हालत नाजुक है। डॉक्टरों का कहना है ये लोग पहले सहयोग नहीं कर रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे सहयोग कर रहे हैं। देखिए, हमने जो ये जमात वाले हैं, जो तबलीगी उसके जमात के वो थे, तबलीगी मरकज जो वो है, उनके हमने 4 के सैंपल भेजे थे। ये हमारे 3 अलग अलग मॉस्क में रह रहे थे, तो हमने एक को जो नेपाल की जमात थी, जिनमें 8 नेपाल के थे, एक आसाम का था, एक राजस्थान का था, उनको एक उसमें 2 तो हमने आइसोलेशन में रखे इनमें से, और 8 को हमने एक स्कूल में शिफ्ट कर दिया है, इनको वहाँ पे क्वारंटाइन कर रखे है। 2 जो नेपाल के थे, 2 में से 1 पॉजिटिव आया है, और 1 महाराष्ट्र का जो है वो पॉजिटिव आया है। श्रीलंका का था और दूसरा एक नेपाल का था, वो दोनों नेगेटिव आए हैं। सर, इनको तबीयत खराब का चलते हाँ, एक जिनकी तबीयत खराब थी वो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, 55 साल के, उनको पीजीआई रेफर कर दिया, पीजीआई में अब उनका इलाज चल रहा है। दिल्ली के मरकज से आए थे? नहीं, ये सारे के सारे निजामुद्दीन मरकज के वो हैं। शुरू में मना कर रहे थे कि हम वहाँ से नहीं होके आए, धीरे धीरे ये बता रहे हैं कि हाँ, हम वहाँ से होके आए हैं। इसी तरह कल जैसे बराड़ा में 17 लोगों को रोका गया था, उनमें से 7 गुजरात के रहने वाले थे। शुरू में वो मना कर रहे थे कि हम निजामुद्दीन होके नहीं आए, जब ये निजामुद्दीन का शोर मतलब, बाद में उन्होंने कल रात को ही बता दिया हाँ, वो निजामुद्दीन होके आए हैं। उनको भी हमने एक मदरसे में क्वारंटाइन कर रखा। कॉपरेट कर रहे हैं सर? ये कॉपरेट कर रहे हैं? कॉपरेट शुरू में नहीं कर रहे थे, अब धीरे धीरे कॉपरेट कर रहे हैं।